उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना के 600 से कम सक्रिय मामलों के चलते योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों से आंशिक कर्फ्यू हटा दिया है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी खोल दिए गए हैं, लेकिन पर्यटकों के अंदर कोरोना का खौफ इस कदर अभी भी बना हुआ है कि वो अभी भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 40 दिन बाद लखनऊ का चिड़ियाघर बुधवार से लोगों के लिए खोल दिया गया है। लोगों को कोविड-19 का पालन करते हुए चिड़ियाघर घूम सकते हैं। बावजूद इसके अभी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से पूर्व में यहाँ पर भीड़ और मनोरंजन होता था, वैसा कुछ भी इन दिनों देखने को नहीं मिल रहा है। क्या नाम है मैम आपका? नेहा सिंह। आज काफी दिनों के बाद चिड़ियाघर खुला है, आप लोग यहाँ घूमने आए हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ कैसा कुछ लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद आए हैं नीचे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन व्यवस्थाएं तो कुछ अच्छा खास नहीं है, जो पहले था वही अभी भी चल रहा है। बस काफ़ी अच्छा लगा देख के कि खुल गई चीज़ें, कब से एक्साइटेड थे कि खुले, तो आज खुल गया तो काफ़ी मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से सन्नाटा पड़ता हुआ, लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कारण लग रहा है? सब डर रहे हैं कि हमें फैल जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो इस वजह से लोग अभी नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर सोच रहे हैं कि अभी खुला नहीं है, तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि अभी चीज़ें खुली भी हैं। जिनको पता चल रहा है तो वो डर की वजह से नहीं आ रहे हैं कि हमें हो ना जाए, कोरोना ना हो जाए, तो इस वजह से लोग ज़्यादा घूम नहीं रहे हैं। तो यहाँ आते समय क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया है, मास्क, सैनिटाइजर, इन सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखा तो नहीं गया है, लेकिन हम खुद से सुरक्षित अपनी तरीके से रहना चाहते हैं कि हाँ हम ये सब चीज़ें लेकर चलें अपने तरीके से, अपना हम लोग सुरक्षित। हालांकि इतने दिनों बाद घर से निकलने पर लोगों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि सरकार ने कोरोना कर्फ्यू भले ही हटा दिया हो, लेकिन संक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है। क्या नाम है आपका? एलिजा मिंज। आज काफी टाइम बाद चिड़ियाघर खोला गया है, आप यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ कहेंगी, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब लॉकडाउन में हम लोग सब एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे, तो अब बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ नहीं देखी? तीन महीने बाद मिल रहे हैं। भीड़ भाड़ भी वहाँ यहाँ पर उस तरह से नहीं देखी जा रही है अभी, तो क्या लगता है लोगों के अंदर अभी भी कोरोना का डर बना हुआ है? हाँ, कोरोना का डर तो बना हुआ होगा अभी भी, हम लोग के अंदर भी है, इसलिए हम लोग मतलब कि थोड़ा सा दूरी, मतलब इतने दिनों के बाद मिल रहे तब भी दूरी बनी हुई है। तो अभी मतलब जब तक ठीक नहीं होता तब तक तो डर बना रहेगा। समाज को इसको लेकर क्या कुछ संदेश देंगी कि जिस तरह से कोरोना फैला हुआ था, हालांकि आंशिक कर्फ्यू के बाद कहीं ना कहीं केसेस में गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर खोल दिया गया है, क्या लगता है केसेस बढ़ सकते हैं क्या इसको लेकर? अगर लोग लापरवाही ना करें तो कम चांसेस हैं निकल। ये तो मेरे को भी नहीं पता। मास्क बिल्कुल लगाइएगा, मास्क मत उतारिएगा, सैनिटाइजर बिल्कुल, नहीं तो इसके वजह से फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। इससे पहले कब चिड़ियाघर आई थी आप? फरवरी में आए थे। तब में और अब में क्या बदलाव? बहुत बदलाव हुआ, ये पूरा भरा रहता था, जगह भी नहीं मिलती थी, अभी तो फिलहाल मस्ते में हम लोग इधर उधर कहीं भी घूम ले रहे हैं। समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे कि आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, पर हाँ सेफ अपने हाथे में आप रखिएगा कि हाँ सेफ होके आइएगा, सैनिटाइजर, मास्क। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोरंजन उस तरह का नहीं देखने को मिला? हाँ वो तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, गेट पे यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड प्रोटोकॉल के तहत? क्या कोई व्यवस्थाएं तो नहीं है जैसे होनी चाहिए, बट ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सैनिटाइजर भी नहीं था, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जनपद आज से आंशिक कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। ऐसे में लखनऊ की तमाम ऐसी जगह थी जो कि बंद थी। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के चिड़ियाघर पे, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में जिस तरह से चहल पहल देखने को मिलती थी वो इस समय देखने को नहीं मिल रही है। राजधानी लखनऊ का यह चिड़ियाघर बहुत ही फेमस माना जाता है, तमाम जनपदों से लोग यहाँ पर घूमने आते थे और जानवरों को देखते थे, लेकिन कोरोना का भय लोगों के अंदर इस तरह से बना हुआ है कि लोग यहाँ आने से अभी कतरा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चिड़ियाघर में पहले की तरह रौनक कब आती है और चहल पहल देखने को मिलेगी। लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।